आरोपी इंद्रपाल के पैर में गोली लगी। आरोपी ने कब्जा दिलाने गई रेवेन्यू विभाग और पुलिस टीम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, साथ ही दो महिला कांस्टेबल भी घायल हो गई थी। ये घटना 3 अक्टूबर को नारकी इलाके के कल्याणी गांव में घटी थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार था, जिसे आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बेंदी की पुलिया के पास घूम रहा है, संभवतः ये वही आदमी है जो 3 अक्टूबर को गढ़ी कल्याण के खेत पे जो मामला हुआ था, जिसमें इस संदिग्ध आदमी ने ही जो पुलिस पार्टी है उस पर ट्रैक्टर चढ़ाया था, और जो एक हमारे जगदीश पाल सिंह थे उनके उसकी मृत्यु हो गई थी। जब मौके पर पुलिस और एसओजी की टीम ने नाकेबंदी की तो उसने अपनी फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में जो ये इंद्रपाल सिंह है इसके पैर पे चोट लगी है और इसको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। बादलपुर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर गैंगस्टर को बादलपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को कामयाबी मिली है। लंबे समय से 25,000 का इनामी गैंगस्टर फरार था और आखिरकार अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चित्रकूट में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 4 मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। ट्रेवलर बस प्रयागराज से छत्तीसगढ़ के सुंदरगढ़ गांव की ओर जा रही थी। कानपुर में एक वकील ने अपने बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से आसपास हड़कंप मच गया। यह घटना ग्वालटोली थाना क्षेत्र की है। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद परिवार के लोग कमरे में दौड़कर पहुंचे, मौके पर ही वकील की मौत हो गई थी। घटना की सूचना ग्वालटोली थाने को दी गई। कुछ देर में फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस टीम जांच पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि मुनीर डिप्रेशन में था, डिप्रेशन का इलाज भी सालों से चल रहा था। थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक मिलन गेस्ट हाउस है वीआईपी रोड पे, वहाँ पर उनके मालिकान में से एक के बारे में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने जो है अपने लाइसेंसी शस्त्र के खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। मौके पर गए तो जांच की गई, पुलिस गई थी मौके पर, वहाँ पर जाँच की गई तो जाँच से पाया गया कि वो काफ़ी समय से बीमार थे और डिप्रेशन के पेशेंट थे, जिनका इलाज भी काफ़ी समय से चल रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम में हैं। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ की शयन आरती में शामिल होंगे। रात 9 बजे बद्री विशाल की शयन आरती होती है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी भारत चीन सीमा स्थित घस्तोली भी गए, जहां पर सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान भी सीएम योगी से मुलाकात करते हुए नजर आए। सीएम योगी को पहले केदारनाथ जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वहां नहीं जा पाए, लिहाजा सीधे ही बद्रीनाथ धाम पहुंच गए और यहां बीआरओ गेस्ट हाउस में ही सीएम योगी आज रात बिताएंगे। कल सुबह सीएम योगी भगवान बद्री विशाल के दर्शन एक बार फिर से करेंगे। तो सीएम योगी का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। आज दौरे का दूसरा दिन जब वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम सैनिकों से मुलाकात की है, बीआरओ के जवानों से मुलाकात की है, आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की है, भारत चीन सीमा पर स्थित बॉर्डर पर पहुंचे और वहां जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद वापस वो गेस्ट हाउस आ गए हैं। बीआरओ के गेस्ट हाउस में फिलहाल सीएम योगी रुके हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पर बद्री विशाल के दर्शन पूजन करेंगे। रात 9 बजे शयन आरती में भी शामिल होंगे और कल सुबह एक बार फिर से बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। यहां आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी कल उत्तराखंड पहुंचे, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया। उनके आवास पर जाकर सीएम योगी ने रात्रिभोज किया और उसके बाद आज सुबह वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उस बैठक के समाप्त होने के बाद सीएम योगी को केदारनाथ जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो केदारनाथ नहीं गए बल्कि बद्रीनाथ धाम पहुंच गए
और जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे तब दर्शन से पहले उनके पास जो समय था वो उन्होंने जवानों के बीच जाकर बिताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, आईटीबीपी के जवान जिनके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ जवानों का हौसला बढ़ाते हुए, और जवान भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं मुख्यमंत्री को अपनी बीच पाकर। और दूसरी तस्वीर में वो बीआरओ के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास की तमाम योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है।